पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा श्रावण मेले को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि श्रावण मेले को लेकर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जिसमें एक ट्रेन गोरखपुर से देवघर जाएगी, जिसका संचालन 12 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यह ट्रेन कुल 32 फेरों में चलाई जाएगी। इसी तरह से देवघर से गोरखपुर के लिए एक आरक्षित ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका संचालन देवघर से 13 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक 32 फेरों के लिए प्रतिदिन किया जाएगा। उन्होंने कहा, श्रावण मेला गाड़ी 20 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करके चौरी चौरा, देवरिया, सदर, भटनी, मैरवा, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, देशरी, शाहपुर, पटोरी, बरौनी, बेगूसराय, सुल्तानगंज, भागलपुर, बांका होते हुए देवघर पहुंचेगी। इस तरह से देवघर से गाड़ी दोबारा इसी तरह गोरखपुर स्टेशन पहुंचेगी। उन्होंने कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए RPF कमर्शियल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है तथा समय समय पर अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिससे यात्रियों को गाड़ी के संचालन की जानकारी मिल सके। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, रेलवे के कर्मचारियों से सलाह लें या ऑनलाइन रेलवे की साइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, काम पर चाबी का गुच्छा गिरा मिला हो लाके इंक्वायरी में दे जाएं, ध्यान दें जिस भी ट्रेन पड़ी हुई है, चार पांच चाबियां हैं, कृपया मिला हो, रिंग पड़ी हुई है, चार पांच चाबियां हैं, कृपया इंक्वायरी में लाकर दे जाए, धन्यवाद। श्रावण मेले को लेकर रेलवे किस तरह की तैयारी कर रहा है, कितने ट्रेनें चलाएंगे? श्रावणी मेले को लेकर विशेष ट्रेनें चलाने का रेलवे ने शेड्यूल जारी किया है, जिसमें एक ट्रेन जो गोरखपुर से देवघर जाएगी 05028, इस गाड़ी का संचालन 12 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यह ट्रेन कुल 32 फेरों में चलाई जाएगी। इसी प्रकार से 05027 देवघर से गोरखपुर के लिए भी एक अनारक्षित विशेष गाड़ी चलाई जा रही है। ये इसका संचालन देवघर से 13 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक 32 फेरों के लिए प्रतिदिन किया जाएगा। अगर इसके शेड्यूल की बात करें तो 05028 गोरखपुर देवघर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी, ये गोरखपुर से 20 बजे प्रस्थान कर चौरी चौरा, देवरिया सदर, भटनी, मैरवा, सिवान, एकमा, छपरा, तिगवारा, सोनपुर, हाजीपुर, देसरी, शाहपुर, पटोरी, पछवारा, बरौनी, बेगूसराय, साहिबपुर कमाल, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बरहट जंक्शन होते हुए बांका से छूटकर देवघर पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी यात्रा में 05027 देवघर गोरखपुर अनारक्षित श्रावणी मेला विशेष गाड़ी, ये देवघर से 13 जुलाई से प्रतिदिन 19:45 बजे प्रस्थान कर बांका, बराहट, भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय, बरौनी, बछवारा, शाहपुर पटौरी, देसरी, हाजीपुर, सोनपुर, दिगवारा, छपरा, एकमा, सिवान, मैरवा, भटनी, देवरिया, सदर स्टेशनों से होते हुए चौरी चौरा से छूटकर गोरखपुर 11:20 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में SLRD के 2 कोच और साधारण द्वितीय श्रेणी के कुल 13 कोचों सहित 15 कोच लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को श्रावणी मेला में जाने में बेहतर सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या इंतजाम रहेंगे? यात्रियों की मेला के दौरान जो भीड़ होती है उसको ध्यान में रखते हुए RPF और जो कमर्शियल के स्टाफ हैं वो सतर्क हैं स्टेशनों पर, और जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, उद्घोषणा प्रणाली जो स्टेशनों पर लगी हुई है, उसके माध्यम से लगातार यात्रियों को जागरूक किया जाता है कि अफवाहों पर ध्यान मत दें। जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएं तो FOB का प्रयोग करें। इवन आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूंगा सभी से कि जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएं किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे के जो स्टाफ हैं, रेलवे के जो काउंटर्स इसके लिए बने हुए हैं आपकी सहायता के लिए, वहाँ पर जाएं अगर कोई जानकारी चाहिए। साथ ही साथ रेलवे ने सारी व्यवस्थाओं को अपने ऑनलाइन माध्यम से कर रखा है, चाहे वो ट्रेन की कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, उसका भी उपयोग करें। अगर कोई शिकायत है रेलवे से या कोई समस्या है तो रेल मदद पे पोर्टल पे भी जाकर आप वहाँ पे अपनी समस्या शिकायत बता सकते हैं। और जब भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएं तो FOB का उपयोग करें।